कोष की मांग की जा रही है बुलंदशहर में, व्यापारी खुद कलेक्ट्रेट में आए हैं, डीएम से मिले हैं, क्या किस तरह का आश्वासन मिला है और किस तरह की इनकी मांगे हैं? व्यापारी नेता हैं मेरे साथ और उनके साथ कई सारे और व्यापारी हैं, उनसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल देशभक्त है और प्रदेश महासचिव हूँ व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान में। अच्छा, आप आज यहाँ डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं, क्या कारण है और किस तरह का आश्वासन आपको मिला है? इस समय प्रदेश के अंदर व्यापारी समर्थित सरकार है। हमारी मांग है कि व्यापारियों के लिए भी एक व्यापारी आपदा कोष बनाया जाए, जो विपत्ति के समय कहीं पर दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, भीषण चोरी हो जाए, आग लग जाए, ऐसी स्थिति में व्यापारी को तुरंत राहत मिल जाए, जिससे व्यापारी अपने पैरों पर तुरंत खड़ा हो जाए, ऐसी उसको लेकर के, क्योंकि प्रदेश में बजट आ रहा है, बजट सत्र चलने वाला है, तो हम उनसे मांग कर रहे हैं और सुरेश खन्ना जी से भी वार्ता हुई है, उन्होंने कहा अपनी मांग लिख के भेजिए, हम उदारतापूर्वक विचार करेंगे। जब व्यापारी तो जब समस्या या आपदा जैसी कोई स्थिति पैदा होती है तब खुद खड़ा हो जाता है लोगों को मदद देने के लिए, राहत देने के लिए, ऐसे में आप खुद मांग कर रहे हैं? देखिए, व्यापारी तो व्यापारी की हमेशा से मदद करता आया है, लेकिन हमारा सरकार से भी आग्रह है, वित्त मंत्री से आग्रह है कि एक बड़ा बजट बनाया जाए। अगर किसी व्यापारी की दुकान में जैसे अकस्मात आग लग जाती है तो उसका भरपाई थोड़ी सी सरकार द्वारा भी की जाए। पिछले दिनों कुछ व्यापारियों की आग लग गई और वह सड़क पर आ गई, तो हम उसको देखते हुए ऐसी मांग करते हैं सरकार से कि अगर किसी भी व्यापारी की कोई आपदा, कोई भी कोई परेशानी, कोई समस्या हो जाए तो उसकी भरपाई भी सरकार द्वारा भी की जाए। अच्छा, बजट आने वाला है, बजट में किस तरह की मांग आप रखने के लिए हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि व्यापारी के साथ कोई भी घटना घट जाती है, जैसे दुकान जल गई या लूट गई या व्यापारी के साथ यहाँ चोरी हो गई, तो इस टाइम योगी सरकार में बजट आने वाला है। हमारी यही मांग है, इस बजट में 250 करोड़ रुपए का ये बजट व्यापारी राहत कोष के लिए भी दिया जाए, जिससे कि आपातकालीन स्थिति में व्यापारी को तुरंत राहत मिल सके। बीमा का भी तो मिलता है जी? बीमा हाँ, बीमा वाला भी तो मिलता है राहत? नहीं, बीमा नहीं, वो चीज़ अलग हो गई, वो केवल दुर्घटना बीमा है। सरकार के आह्वान पर किसी भी आपदा की स्थिति में व्यापारी टैक्स के साथ साथ राहत भी अर्जित करके देता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रश्न के बीमा भी होता है, ये सब चीज़ें तो अपनी तरफ से होती हैं, लेकिन हर आदमी चाहता है कि उसके विपरीत समय में उसे आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से भी मिले, क्योंकि सरकार के हर अच्छे बुरे योजनाओं में व्यापारी हमेशा साथ है, टैक्स देता है, राहत पैकेजों में राहत के लिए सामग्री धन सब कुछ अर्जित करता है, सरकार के आह्वान पर हर यज्ञ में आहुति देता है अपनी सहयोग की। और ऐसे में हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी हमारी परिस्थितियों में जिस समय विषम हमारा समय हो उस समय पे हमें सरकार की ओर से राहत विशेष मिलनी चाहिए। अच्छा, बजट में किस तरह की मांग करने के लिए आप लोग आए हैं? जब भी किसी व्यापारी के यहाँ चोरी होती है, आग लग जाती है, वो व्यापारी उस परेशानी में आ जाता है, जिस परेशानी के अंदर वो ये सोचता है कि मैं करूँ क्या। बस हमारा सरकार से यही निवेदन है, जब सबको मिलता है तो व्यापारी को क्यों ना मिले। हर जगह व्यापारी हर तरफ हर जगह जितना हो सकता है चंदा देता है व्यापार के लिए, हर जगह अगर अधिदान खड़ा हो जाए, अपने लिए खड़ा हो जाए, तो कृपया करके हमें भी ये मांग है कि हमें भी कुछ दिया जाए। अच्छा, कितने बजट का प्रावधान की आप मांग कर रहे हैं? ये बताएंगे, इन बात में बताएंगे। व्यापारी समाज की रीढ़ है और व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करता है, चाहे वो टैक्स के माध्यम से करता है, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से करता है, चाहे जीएसटी के माध्यम से करता है। इसलिए व्यापारी खड़े रहने के लिए भी एक आपदा कोष की आवश्यकता है। गत दिनों औरंगाबाद में एक भीषण अग्निकांड हुआ, ये लगभग 1 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, उसकी कोई मदद नहीं हो पाई, व्यापारी सड़क पर आ गया, समाज के लोगों ने उसकी मदद करके उसके व्यापार को खड़ा किया, इसलिए आपदा कोष का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बजट में कितने अमाउंट की आप प्रावधान की व्यवस्था करने के? 2.5 करोड़ के बजट के लिए, 250 करोड़ बजट के लिए हमने आज व्यापारियों के माध्यम से सुरक्षा फोरम, जो हमारा व्यापारियों का संगठन है, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कल्याण बोर्ड के और राष्ट्रीय संयोजक अशोक गोयल जी के आह्वान पर ये ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो हम व्यापारी शॉर्ट सर्किट आग लग जाती है या कोई भीषण चोरी हो जाती है, डकैती बढ़ जाती है, आकस्मिक कोई घटना घट जाती है, उन व्यापारियों के लिए जो GST से जुड़े हुए हैं, सभी व्यापारियों के पंजीकृत, उनके सहायता राशि हेतु
आज पूरे व्यापारी सुरक्षा फॉर्म नगर जिले के सभी व्यापारी कर्तृत्वों का ज्ञापन दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में बजट आने वाला है, बजट से पूर्व जो बुलंदशहर के जो व्यापारी हैं उन्होंने व्यापारी राहत कोष की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से की है, साथ ही साथ डीएम बुलंदशहर को ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन जो वित्त मंत्री के नाम प्रेषित किया गया है। शाहनवाज चौधरी, बुलंदशहर।